हेलो फ्रेंड्स, आई एम फार्मासिस्ट शिवशंकर पांडे। एक सब्जेक्ट था जो मैंने कहा लाइफ से जुड़ा हुआ सेंसिटिव मैटर था, मुझे लगा शेयर करना चाहिए। लेकिन उस सब्जेक्ट को शेयर करने के पहले हम आपको इंडिया की लिटरेसी रेट के बारे में बताते हैं। जैसा कि हम देखें 2017 का सर्वे है, उसमें हम बात करें लिटरेसी रेट इज 74.04%, और अगर हम बात करें केरला की, केरला 93.91% हैविंग द फर्स्ट स्कोर, यानी हमारा सबसे मैक्सिमम लिटरेसी रेट इन केरला। यूपी की बात करें, वी बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, 69.72% लिटरेसी रेट है, और यहाँ पे मेल लिटरेसी रेट 79.24 और फीमेल 59.26। तो आप देखिए, हम ऐसे स्टेट में रहते हैं, ऐसे कंट्री में हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट 74.04% का है। तो ये चीज़ पहले क्लैरिटी रखिएगा। दूसरी चीज़, अगर हम यूपी की बात करें, 69.72% का लिटरेसी टी भी माइंड में रखिएगा। अब आगे का मैं सब्जेक्ट शेयर करता हूँ कि अगर हम बात करें एजुकेशन पैटर्न की, जैसे कि आप देखते हैं कि एक सिविलियन एजुकेशन है, एक टेक्निकल एजुकेशन है। अगर हम बीए, बीएससी, बीकॉम इस तरह के कोर्सेज की बात करें, तो यहाँ पे जो ग्रेजुएशन का टाइम पीरियड होता है, दैट इज़ ऑफ 3 ईयर्स। लेकिन अगर हम टेक्निकल एजुकेशन में जैसे बीटेक, बी फार्मा इनकी बात करते हैं, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का ही टाइम पीरियड होता है 4 ईयर्स। तो पहला डिफरेंस देखिए ये है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं बीए बीएससी में जो एक्सपेंडिचर की, तो अगर हम प्राइवेट सेगमेंट के कॉलेजेस की भी बात करें, तो बीए बीएससी में जो पर एनम का जो एक्सपेंडिचर होगा 10,000 का होगा, तो मैक्सिमम 30,000 इनकी फीस आएगी। लेकिन अगर हम बीटेक, बी फार्मा की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मिनिमम एक्सपेंडिचर हम बात करें, एवरेज हम सारे कॉलेज का लें, तो प्राइवेट कॉलेजेस का, तो 85,000 पर एनम के अकॉर्डिंग, अगर वो 3 ईयर्स एक्सपेंड 4 ईयर्स का अगर हम खर्च देखते हैं, 3,40,000 हम कॉलेज को फीस देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक तो हम टाइम पीरियड ज़्यादा दे रहे हैं, 4 ईयर्स लगा रहे हैं, 1 साल एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। दूसरी चीज़ हम बात करें, हम फीस भी ज़्यादा दे रहे हैं। और अगर हम मेहनत की बात करें, तो कहीं कहीं हम टेक्निकल एजुकेशन में, चाहे बीटेक या बी फार्मा में, हमें हर सेमेस्टर में सेशनल देना है, हर 6 महीने पर सेमेस्टर देना है। आई थिंक मतलब बहुत ही मेहनत का काम है। तो मुझे तो गर्व होता है कि मैंने बी फार्मा किया है। मैं समझता हूँ हर एक फार्मासिस्ट को, या हर जो भी बीटेक बंदे किए हैं, उनको गर्व होना चाहिए कि उन्होंने ये 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन किया है, एकदम होना चाहिए। लेकिन अभी जो मैं सर्वे आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, मैंने बहुत से बीटेक वाले बच्चों को, या बी फार्मेसी, चूँकि मैं फार्मेसी से हूँ, तो मैं फार्मेसी के बारे में एग्जांपल देता हूँ। बहुत से बच्चे हैं जो, तो मैंने पूछा कि आप कहाँ करते, कहाँ जॉब करते हो, उनका इंडस्ट्री में है, या कोई सेल्स मार्केटिंग में है, या कोई एकेडमिक में है, या फिर हम बात करें कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप में हैं। तो वहाँ पे एक जो चीज़ आती है, जैसे इंडस्ट्री में क्या बोलते हैं लोग, कि इंडस्ट्री में जैसे आप प्रीमाइसिस मस्ट बी इंस्पेक्टेड बाय ड्रग इंस्पेक्टर, या जो हमारा रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, लेकिन वहाँ भी रेगुलेटरीज देखने को मिलती हैं कि कुछ बीए वाले, बीएससी वाले जॉब करते हैं। तो हमारे फार्मेसी के लोग जब वहाँ पहुँचते हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड में वो चीज़ आती है कि इनको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, या इनको डिजिग्नेशन बड़ी मिली, हम तो बी फार्मा में कम मिला। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पहली चीज़ तो क्लियर कर लीजिए कि ज़िंदगी में अगर आपको कंपैरिजन करना है, तो आप अगर बी फार्मा हो, तो आप बी फार्मा से कंपैरिजन कीजिए, एम फार्मा से कंपैरिजन कीजिए, किसी अदर टेक्निक अदर एजुकेशन वाले से आपको कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर एट पार, आपका स्टैंडर्ड ऑलरेडी हाई है, नंबर वन। दूसरी चीज़, अगर कहीं किसी को ज़्यादा मिलता है, तो हो सकता है उसका एक्सपीरियंस हो, तो आपको वहाँ पे कहीं 1% भी वहाँ से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने देखा है कि अगर जैसे हमारे कुछ कलीग्स, अगर वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, फार्मेसी ओपन करना चाहते हैं आफ्टर बी फार्म, तो मैंने देखा है उनके गार्जियंस सीधे अपोज करते हैं कि अरे तुम इतना पढ़ने लिखने के बाद अब तुम शॉप खोलोगे, फार्मेसी खोलोगे, दवा की दुकान चलाओगे, अरे इससे अच्छा तो वो गाँव का, मोहल्ले का कल्लू है जो मतलब बिना पढ़े लिखे दवा की दुकान चला रहा है, अच्छे पैसे कमा रहा है, तो हमने आपको क्यों पढ़ाया। तो मैं उन गार्जियन से भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को डीमोटिवेट ना करें। देखिए, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लिटरेट व्यक्ति है, तो उसकी थिंकिंग में, उसके इंटेलेक्चुअल पावर में डिफरेंस होगा। और कोई अगर किसी जुगाड़ से करके आता है ना, वो पैसे तो कमा सकता है, वो पैसे कमा सकता है, पैसे बना सकता है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल पावर वो कभी खरीद नहीं सकता है। तो अगर आपके बच्चे में, आपने अपने बच्चे को पढ़ाया है, तो अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानिए। अगर वो फार्मेसी ओपन करना चाहते हैं, तो आप उन्हें फार्मेसी ओपन कराइए। जैसे आपने पढ़ाई में मदद किया है, ऐसे आप उन्हें फार्मेसी ओपन करने में मदद कीजिए, क्योंकि वो बच्चा आपके हेल्थ केयर सिस्टम में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरी चीज़ तो मैं वही बताना चाह रहा था कि आपको अपने मोहल्ले में कोई कल्लू लल्लू जैसा कोई भी हो, अगर दवा की दुकान जुगाड़ से चला रहा है, तो आपको उससे कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने बीटेक किया है, बी फार्मा किया है, यू आर द स्पेशल वन। आप इंडिया के उस टेक्निकल एजुकेशन के वो पार्ट हैं, वो डायमंड हैं, या आपने इतनी मेहनत से वो एजुकेशन लिया हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहली चीज़, डीमोटिवेट नहीं होना है, और ऐसे लोगों से कंपैरिजन करने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक एग्जांपल मैंने और देखा कि हमारे गार्जियंस भी जहाँ गलती कर जाते हैं, कि लोग अपने बच्चों की तुलना दूसरे से करने लगते हैं कि अरे नहीं, वो देखो ऐसे था, वो पढ़ाई भी नहीं किया, वो बीए किया या बीएससी किया, देखो वो ऐसे करने लगा, प्रॉपर्टी डीलिंग में आ गया, वैसे कर लिया, वो बहुत आगे निकल गया, और तुम पढ़ाई करने के बाद भी ये नहीं कर पा रहे हो।
तो मैं कहता हूँ आप प्लीज़, मैं उन गार्जियन से भी कहता हूँ कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि अगर मैं तो सीधे ओपन चैलेंज करता हूँ कि आप जिन भी ऐसे लल्लू पल्लू जैसे लोग हैं जो आप कहते हो कि बहुत पैसा कमा लिए हैं, मैं पैसा लगाने को तैयार हूँ अगर वो हमारे जैसा पढ़ाई करके दिखा दें। तो वो पढ़ नहीं सकते, आपके बच्चे ने जो किया है या हमारे जो कलीग्स ने किया है वो उन्हें कई जन्म लग जाएंगे, वो डिग्री नहीं ले पाएंगे। तो पहली चीज़ तो किसी में से भी कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो हो आप वो हो, आपको जो लगता है आप उस डायरेक्शन में कदम बढ़ाइए, आप अच्छा काम कीजिए, दिल लगा के वो काम कीजिए। और मैं गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें। इस समय फार्मेसी के लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, उनके गार्जियंस का साथ उनको मिलना चाहिए, उनके जो भी रिलेटिव्स हैं वो भी उनको सपोर्ट करें। और मैं समझता हूँ कि जैसे मैं फार्मेसी से हूँ तो मैं समझता हूँ फार्मेसी के लोग, मैं आप सभी लोगों को सैल्यूट करता हूँ कि आपने बी फार्म एजुकेशन लिया है, दैट इज़ रियली वेरी टफ, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। इन्हीं बातों के साथ फिर अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।